अगर आप फ्लिपकार्ट के अंदर शॉपिंग करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट के अंदर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो कैसे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आप ऑर्डर कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में ऑर्डर कैसे किया जाता है, अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए और आपको समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आपको इतनी मेहनत से अच्छी जानकारी देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसे आपको ऑल पर सेट कर लेना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या हमसे बातें करना चाहते हैं तो आप यहां पर कमेंट पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप यहां पर कमेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां से आप बैक आ जाइए, बैक आने के बाद फिर अपने मोबाइल में अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब यहां पर आपको ऑर्डर करना होगा। ऑर्डर करने के लिए आपको यहां पर अपने प्रोडक्ट को देखना होगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं। प्रोडक्ट मंगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का नाम यहां पर सर्च करना होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जो कुछ भी आप मंगाना चाहते हैं तो आप यहां पर सर्च बार पर क्लिक करके सर्च कर लीजिए। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सर्च बार पर क्लिक करके हम यहां पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। जैसे आप यहां पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे, उसी प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहां पर आप अपने ऑर्डर पर क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका ऑर्डर हो। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और हमें ये वाला ऑर्डर लेना है यानी कि मंगाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, यहां पर मिलेगा गो इट। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे, गो इट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारा इमेज दिखाई देगा, आप इमेज को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई दूसरा डिजाइन चाहिए, दूसरा कलर चाहिए तो आपको नीचे दिखाई देगा। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा का सारा डिजाइन कलर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट में कोई साइज है, जैसे आप शर्ट ले रहे हैं, पैंट ले रहे हैं, या आप शूज ले रहे हैं, या आप कुछ भी ले रहे हैं जिसमें आपका साइज होता है, तो आपको यहां पर साइज का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहां पर अपना साइज सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहां पर आपका एड्रेस दिखाई देगा, जैसा कि हमारा एड्रेस दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक एड्रेस ऐड नहीं किया है तो आपका एड्रेस यहां पर दिखाई नहीं देगा। फिर आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड एड्रेस का, तो आपको यहां पर ऐड एड्रेस पर क्लिक करना होगा। जैसे हमारे पास पहले से यहां पर डाला हुआ है एड्रेस, तो हमें चेंज पर क्लिक करना होगा। पर एक ऑप्शन मिलेगा बाय नाउ का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपको यहां पर बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उससे पहले आपको यहां पर दिखाई देगा कि इस प्रोडक्ट का रिटर्न पॉलिसी क्या है, तो आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहां पर आपको रिटर्न पॉलिसी दिखाई देगा कि इस प्रोडक्ट को आप 10 दिन में आप रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आता है। तो हम यहां से बैक आएंगे और यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहां पर आप ध्यान से देखिए, आपका एड्रेस दिखाई देगा जैसा हमारा एड्रेस यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर आपका एड्रेस यहां पर नहीं आता है तो आपको ऐड बटन मिलेगा, फिर आपको ऐड बटन पर क्लिक करके अपना एड्रेस डालना होगा। तो चलो हम यहां पर दिखा देते हैं कि एड्रेस कैसे डाला जाता है। तो आपको चेंज बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप चेंज बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज दिखाई देगा। यहां पर हमारा पहले से एड्रेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको यहां पर ऐड ए न्यू एड्रेस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड ए न्यू एड्रेस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा। यहां पर आपको मोबाइल यानी कि अपना नाम डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना पिन कोड डालना होगा, स्टेट डालना होगा, सिटी डालना होगा, हाउस नंबर या बिल्डिंग का नेम डालना होगा, रोड का नेम या कॉलोनी का नेम डालना होगा, और ये एड्रेस आपका कहां पर है, घर पर है यानी कि आपका घर का है या आपके ऑफिस का है, तो आप चूज कर लीजिए और सेव एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारा एड्रेस पहले से ऐड है, तो हम यहां से बैक आएंगे, बैक आ जाएंगे। अब यहां पर हमारा एड्रेस दिखाई दे रहा है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, यहां पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन कंटिन्यू बटन का, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज निकल के आ जाएगा कि पैसे आप कहां से देना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप यूपीआई से पैसे देंगे तो आपको यहां पर 15 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि 15 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कैश ऑन डिलीवरी देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे। अगर आपका गिफ्ट कार्ड में
पैसा ऐड है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए और आपका गिफ्ट कार्ड का पैसा यहां से कट जाएगा और फिर आपका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा। तो हमें गिफ्ट कार्ड से नहीं देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर मिलेगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अपने क्रेडिट कार्ड से आप पैसा दे देंगे तो इसमें आपको 5% का कैश बैक मिल जाता है। जैसा आपको यहां पर दिखाया गया है ₹19 कैश बैक अप्लाई हमारे पास है तो हमारा यहां पर ऐड है। अगर आपके पास नहीं है और इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है और अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के आपको टाइटल पर क्लिक करना होगा और यहां पर अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो आप यहां पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेट बैंकिंग कैश ऑन डिलीवरी और मिलेगा UPI। तो आपको पैसा कहां से देना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप UPI का यूज कर सकते हैं, नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी यानी कि हमारा प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए तब हम पैसे देंगे, तो कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहां पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते ही आपको मिलेगा स्वाइप टू कंफर्म ऑर्डर। अब आप इसे इस लिंक स्वाइप कर दीजिए इस तरीके से। अब आपका ऑर्डर कंफर्म होना स्टार्ट हो चुका है और यहां पर आपको दिखाई देगा कि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल ऑर्डर हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको अपना ऑर्डर ट्रैक करना है तो ट्रैक कैसे करेंगे, यहां पर मिलेगा कंटिन्यू शॉपिंग। अब आप इस पर क्लिक कर दें तो हम यहां से इसे नॉट नाउ करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर अपना ऑर्डर देखना चाहते हैं कि हमारा ऑर्डर कहां तक आ गया है, हमें कब तक मिल जाएगा, तो यहां पर मिलेगा अकाउंट ऑप्शन। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा ऑर्डर, अपने ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज दिखाई देगा, यहां पर आपका ऑर्डर दिखाई देगा, अपने ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे अपने ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर कहां तक आ गया है सब कुछ आपको यहां पर दिखाई देता रहेगा। जब आपका ऑर्डर हो जाएगा तो यहां पर आपको डिलीवरी डेट भी दिखाई देगी कि आपका इस तारीख को आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप पैसे पहले देना चाहते हैं तो इस पर पे वाले बटन पर क्लिक करके पैसे आप पहले दे सकते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस है जिसका यूज करके अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आप ऑर्डर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी मिलती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना या हमसे बातें करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए क्योंकि इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।